हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे स्किन में क्या चेंजेस आए थे। देखिए, अक्सर लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनके घर वाले या वो खुद भी सोचते हैं कि हम मतलब लड़के का क्या सिम्टम्स होता है, लड़की का क्या सिम्टम्स होता है। ये नेचुरल सी बात है, ये आ जाती है हमारे दिमाग में और बहुत लोग इसको लेकर नेगेटिव सोचते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का का चाह रखना कोई गलत बात नहीं है, लड़की की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है। जो भी हो, अच्छा बेबी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चाह रखना बिल्कुल गलत बात नहीं है। जिसको लड़का है वो लड़की चाहता है, जिसको लड़की है वो लड़का चाहता है, जिससे कि फैमिली पूरी हो जाती है, ठीक है। कि तो अगर इस चीज को लेकर कोई गलत सोचता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। लड़के का चाह गलत नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगी। हालांकि लड़का लड़की दोनों बराबर है और इस चीज की इक्वालिटी को मैं मानती हूँ और मानती भी हूँ और इसके साथ चलती भी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। तो मैं लड़के लड़की का फर्क नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पूछते हो इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं एक बेबी बॉय की माँ हूँ और मेरे में क्या चेंजेस आया है वो मैं आपको बता सकती हूँ। बस यही, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी में एक जैसा चेंजेस आता है। हर किसी की अपनी बॉडी होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। बस ये जो जिज्ञासा होती है ना, इसको सिर्फ शांत करने के लिए ये वीडियोस होते हैं, चाहे मैं बनाऊं या कोई और बनाए, लेकिन सिर्फ जिज्ञासा को शांत करने के लिए वीडियोस है। और कोई इसको ऐसा ना सोचे कि इस वीडियो से मतलब उनके बॉडी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको लड़का होगा या लड़की होगा। ये मेरा सिम्टम्स है, मेरे बॉडी में आए थे, तो मैं इस चीज को सही से बता रही हूँ। आपकी बॉडी में मे भी अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि लड़का है या लड़की है। इस वीडियो को जस्ट एक जानकारी के तौर पे या किसी और का एक्सपीरियंस के तौर पे आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे फेजेस आए थे, बहुत सारे चेंजेस आए थे। मेरी स्किन का टेक्सचर पे भी बहुत ज्यादा चेंज आया था। मेरी स्किन वैसे तो नॉर्मल है, मेरी स्किन, मेरी बॉडी की स्किन जो नॉर्मल है, ना ड्राई है ना ऑयली है। मेरे फेस की स्किन जो है वो थोड़ी सी ऑयली है, लेकिन मेरी बॉडी की स्किन जो है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल स्किन के बावजूद जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस समय मेरी स्किन में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए थे। मेरी जो स्किन है ये पूरे फटने लगी थी, मतलब ड्राई आउट हो गई थी और इसमें ब्रेकेज आने लगे थे। ऐसा नहीं है कि मैं लोशन वगैरह यूज नहीं करती थी, ब्रेकेज आने लगे थे, अजीब सा हो गया था, फटा फटा सा। जैसे आप लोगों को बताऊं, जैसे एड़ियां फट जाती है ना, वैसे मेरे ब्रेकआउट्स यहाँ पे हो रखे थे पूरे। तो मेरा हाथ पैर की हालत उस समय बहुत ज्यादा खराब थी। और अगर इसको आप बेबी बॉय से का जोड़ सकते हो तो जोड़ सकते हो, क्योंकि भाई मेरा तो बेबी बॉय हुआ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ये अपना सिम्टम्स था। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगी कि आप लोगों का भी यही सिम्टम्स हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए इस वीडियो को जस्ट एक जानकारी के तौर पर या किसी और का एक्सपीरियंस के तौर पर लीजिए, ठीक है। जाते जाते बोलूंगी कि मेरी स्किन में ब्रेकआउट्स थे, ड्राई थी, बहुत ज्यादा अनहेल्दी लगती थी स्किन। मैं वैसे तो पूरी ही काली हो गई थी, मतलब जो मेरा नेचुरल कलर है, एक्चुअली मैं ये है मेरा नेचुरल कलर, और मैं एकदम हो गई थी एकदम अजीब से कलर की, एकदम अजीब सा हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं महीनों से बीमार हूँ और बेड से उठ नहीं पा रही हूँ, वैसा वाला मेरे जो चेहरे पर आपकी चमक होती है ना, वो चमक पूरी खत्म हो रखी थी। तो मेरे स्किन पे इतने सारे प्रॉब्लम हुए थे। तो ये वीडियोस, इस वीडियो पे मैं जस्ट एक जानकारी दी हूँ, इसको अपने दिमाग का कीड़ा शांत करने का एक दवा समझिए। वीडियो को जस्ट आप एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर लीजिए। ये 100% कोई साबित नहीं करता है कि स्किन में बदलाव होती है तो आपको लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जस्ट एक जानकारी के तौर पे लीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।